नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बलिया पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया। मुखबिर की सूचना पर हल्दी थाना अंतर्गत मुरादी ताल महामुंडेश्वर मंदिर के पास सिवान में बने एक बानी एक पोल्ट्री फार्म से बीती रात लगभग 40 लाख रुपए की हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब की 455 पेटियों में 4460 लीटर शराब बरामद हुई। मौके से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 5 किलो यूरिया, 3 किलो फिटकरी, 2 किलो नौसादर भी बरामद किया गया। न्यूज 9 भारत के लिए आनंद दुबे की खास रिपोर्ट। सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के माध्यम से कि एक जगह पर कुछ लोगों ने अवैध शराब इकट्ठा कर रखी है और वो उसको बेचने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि संभवतः वो उसे सीमा पार बिहार में ले जाकर बेचने का प्रयास कर रहे थे। इस पर पुलिस ने टीमें बनाते हुए जो स्थान था उसे घेरा गया, वो पोल्ट्री फार्म था एक, उसे घेर कर जब तलाशी ली गई तो वहाँ से 455 पेटी लगभग 4000 लीटर हरियाणा मार्ग का शराब बरामद हुई है, जिसकी की बाजार मूल्य लगभग 40 लाख रुपए है। इसमें 3 युवक भी वहां से पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं, जिनसे पूछताछ पर उन्होंने बताया कि ये पोल्ट्री फार्म बच्चा सिंह का है और यहां पर ये लोग शराब इकट्ठा करके आगे बेचते हैं। इसमें जो 3 अभियुक्त हैं वो वांछित हुए हैं पुलिस की तरफ से और 3 गिरफ्तार हैं। मुकदमा दर्ज कर शराब सीज की गई है पुलिस की तरफ से और आगे इसमें कार्रवाई की जा रही है। सर, देखा जाए कि ये हरियाणा से फिर बलिया आई, तो सर ये बीच में इनका मोडस अप्रेंडिस सर होता क्या है, कैसे ये लोग बलिया लेके आते हैं और फिर बलिया से ये लोग आगे कैसे बढ़ाते हैं बिहार जी? इसमें ये शराब जो है, जो अभी तक की इन 3 अभियुक्तों से पूछताछ हुई है, पता चला है कि ये इसको हरियाणा से लेकर आते हैं और कई बार ये अरुणाचल या अन्य स्थानों पर ले जाने के बहाने लाते हैं, कागजात तैयार करके और यहाँ लाकर डंप कर देते हैं रास्ते में। इसे ये कई स्थानों पर छुपा कर लाते हैं गाड़ियों में, जैसे ये पोल्ट्री फार्म था तो मुर्गी पालन की आड़ में दाने के नीचे या अंडे की खेप के नीचे इसको छुपा कर लाते हैं और यहाँ पर इकट्ठा करके ये आगे बेचते हैं। इसमें पुलिस ने अभी 3 युवकों से पूछताछ की है, जो फरार है उनकी तलाश चल रही है, तो 3 फरार अभियुक्तों के लिए टीमें बनाई गई है, उनसे आगे और पूछताछ की जाएगी, जिसमें कि इस पूरे प्रकरण का अनावरण किस प्रकार ये करते हैं ये कार्यवाही, ये पूरा जाँच की